तो क्वेश्चन है, खाली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेटर, ऑप्शन बी एम्प्टी, ऑप्शन सी विस्ट या फिर ऑप्शन डी स्किमर। तो इसका आंसर गैस करने के लिए आपको दी जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम्प्टी। खाली को अंग्रेजी में एम्प्टी कहा जाता है। तो क्या इससे पहले आपको इसका मीनिंग पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्प बेटा देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।